नमस्कार दोस्तों। हम लोग सामान्यतः परंपरागत तरीके से गुणा करते हैं, परंतु कुछ ऐसी भी संख्याएं हैं जिनका गुणा हम परंपरागत तरीके से हटकर ट्रिक के माध्यम से सेकंडों में कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक से कैसे करते हैं, दिए गए एग्जाम्पल्स को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें सभी दहाई के अंक समान है, जैसे 32 × 38, इसमें दहाई का अंक समान है तथा इकाई के अंकों का योग 10 है। 26 × 24, इसमें भी दहाई का अंक समान है तथा इकाई के अंकों का योग 10 है। इसमें भी 83 × 87, दहाई के अंक समान है तथा इकाई के अंकों का योग 10 है। 84 × 86, इसमें भी दहाई के अंक समान है तथा इकाई के अंकों का योग 10 है। यदि इस प्रकार के दो अंक हों जिनमें दहाई के अंक समान हो तथा इकाई के अंकों का योग 10 हो, उन दो अंकों का गुणा इस ट्रिक के माध्यम से सेकंडों में किया जा सकता है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इकाई के दोनों अंकों का गुणा कर लेते हैं। जैसे 32 × 38 में हम सबसे पहले करेंगे 2 × 8। 2 × 8 कितना होगा, 16 हो जाएगा, हम यहाँ पर 16 लिख देंगे। और 3 का अगला डिजिट क्या होता है, 4 होता है, तो 3 × 4 कर देंगे, ये होता है 12, यहाँ पर लिख दिए, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए सेकेंडों में कर दिए, 32 × 38 1216 होगा। इसी प्रकार हम 26 × 24 का गुणा करेंगे सेकेंडों में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 × 4, ये होता है हमारा 24। और 2 का अगला डिजिट होता है 3, तो 2 × 3 कर देंगे, ये हो गया 6, ये देखिए इसका आंसर हो गया। 83 × 87 ऐसे ही करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, 3 × 7 कर दिए, 3 × 7 हो गया 21। और 8 का अगला डिजिट होता है 9, तो 8 × 9 कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया 7221। इसी प्रकार हम 84 × 86 का गुणा करेंगे, तो 6 × 4 हो गया हमारा 24, और 8 का अगला डिजिट होता है 9, तो 8 × 9 हो जाएगा 72, ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार का गुणा आप सेकंडों में कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हमारा दहाई का अंक समान होना चाहिए तथा इकाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 21 × 29, इसमें हमारा क्या है, दहाई का अंक समान है तथा इकाई के अंकों का योग 10 है, तो इसका गुणा कैसे करेंगे, 9 × 1, 9 × 1 हो जाएगा हमारा 09 लिखेंगे इस प्रकार। और 2 का अगला डिजिट होता है 3, 2 × 3 हो गया 6, तो इसका आंसर हो गया 609। और हम एग्जांपल एक दूसरा ले लेते हैं, मान लीजिए 23 × 27 हमको करना है, तो 7 × 3 हो गया 21, और 2 का अगला डिजिट 3 होता है, तो 2 × 3 6, इसका आंसर इतना हो गया। इस प्रकार आप कोई भी गुणा सेकंडों में कर सकते हैं। इसके लिए अनिवार्य शर्त केवल यही है कि दहाई का अंक समान होना चाहिए तथा इकाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए। आप लोगों को भी एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ, इसे आप मल्टीप्लाई करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। 67 × 63, इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इसे इस ट्रिक के माध्यम से करें। तो आज यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।